आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड नाउंस एंड इट्स टाइप्स। आज के लेक्चर में हम कंपाउंड नाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपको उनकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंपाउंड नाउंस कैसे बनते हैं। चलिए लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो की है व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड टू मेक अ न्यू वर्ड द फॉर्म्ड वर्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। गाइस, कंपाउंड नाउंस ऐसे नाउंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने, तब हम उनको कंपाउंड नाउंस बोलते हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। नोटबुक, हेडेक, सिस्टर इन लॉ, पोस्ट ऑफिस, मिडिल क्लास। गाइस, अभी जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किए आप देख सकते हैं। अगर हम नोटबुक की बात करें गाइस, तो नोट एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, जो दो वर्ड से मिलकर बना है और एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। अगर हम सिस्टर इन लॉ की बात करें गाइस, तो सिस्टर इन लॉ थ्री वर्ड्स है और एक प्रॉपर वर्ड बन गया। आपने गाइस यहां एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि जब आप कंपाउंड नाउंस बनाएंगे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नाउंस बनते हैं। जब आप कंपाउंड नाउंस बनाएंगे तो आपने ऐसा करना है कि दोनों का मीनिंग होना चाहिए। नोट की बात करें तो गाइस, नोट का अपना मीनिंग है, बुक का अपना मीनिंग है। जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड बना। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड ऐसा लिया जिसका मीनिंग ही नहीं है डिक्शनरी में, दूसरा ऐसा वर्ड ले लिया जिसका डिक्शनरी में मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। उन दोनों को आप कंबाइन करके कहें कि ये कंपाउंड नाउन है, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपने याद रखना है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स लेंगे कंपाउंड नाउन्स बनाने के लिए, तो आपने ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिनका अपना मीनिंग होना चाहिए। यानी अगर हम उनको अगर सेपरेट करें तो उनका अपना मीनिंग होना चाहिए। फाइन, आई थिंक आपको कंपाउंड नाउन्स अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। There are three types of compound nouns. First one is closed compound nouns. Second one is open compound nouns. And third one is hyphenated compound nouns. आपने गाइस नेम से जो है वो याद रखना है कि क्लोज में बंद, ठीक है, वन वर्ड होगा, ठीक है। ओपन में, ओपन मतलब नेम से पता लग रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ, मतलब सेपरेट वर्ड्स होंगे। हाइफिनेटेड में हाइफन्स होंगे गाइस, जैसा कि मैंने आपको जो एग्जांपल शेयर की थी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में हाइफन्स यूज किए गए थे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से समझा देती हूँ मजीद कि क्लोज कंपाउंड नाउन्स में वन वर्ड होता है, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं दी होती वर्ड्स में, ठीक है। ओपन कंपाउंड नाउन्स की बात करें गाइस, तो सेपरेट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अलहदा अलहदा करके वर्ड्स होते हैं और स्पेस होती है वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। और हाइफिनेटेड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हाइफन्स यूज होते हैं। अब गाइस डेफिनेशन से जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं इनको। पहले गाइस क्लोज कंपाउंड नाउन से स्टार्ट लेते हैं। गाइस, द क्लोज कंपाउंड नाउन सिंपली जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर फॉर्म अ सिंगल वर्ड। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड, ठीक है। मैंने आपको कंपाउंड नाउंस की डेफिनेशन बताई थी कि जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने तो वो कंपाउंड नाउंस कहलाते हैं। क्लोज कंपाउंड नाउंस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड प्रॉपर बनता है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये गाइस जो है वो याद रखने वाली है दैट देयर इज नो स्पेस इन हाइफन बिटवीन द टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स होंगे, ठीक है, उनके दरमियान कोई हाइफन, कोई स्पेस नहीं होगी। फाइन, एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूं। एयरपोर्ट, चॉपस्टिक, सनग्लासेस, रेनबो, कबर्ड, पासवर्ड, स्मार्टफोन, होमवर्क। मैंने आपके साथ जितने भी एग्जांपल्स गाइस शेयर की क्लोज कंपाउंड नाउन्स की, आपने देखा कि सब में एक वर्ड है
लेकिन पार्ट्स दो हैं, हिस्से दो हैं। कि एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयर का अपना मीनिंग है, पोर्ट का अपना मीनिंग है। इस वर्ड में दो पार्ट्स हैं और दोनों का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। और ये कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं और ये क्लोज कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज ओपन कंपाउंड नाउन्स। गाइस, ओपन कंपाउंड नाउन्स हैव अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट व्हेन दे आर रीड टुगेदर आर फॉर्म अ न्यू मीनिंग। गाइस, ओपन कंपाउंड नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें स्पेस होती है, यानी फासला मौजूद होता है। कंपाउंड नाउन्स तो हमें अच्छी तरह से क्लियर है ना कि दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बने, ठीक है, वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। ओपन कंपाउंड नाउन्स में होता यह है कि वर्ड्स में स्पेस होती है, फासला होता है, ठीक है। जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, दो वर्ड्स हैं, इनके दरमियान स्पेस है, ये दो वर्ड्स कंबाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डाइनिंग टेबल, ये भी दो वर्ड्स हैं, इनके दरमियान स्पेस है। नेक्स्ट स्विमिंग पूल, स्पेस है, क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप इज हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स। गाइस, मैंने आपको बताया था कि हाइफिनेटेड में हाइफन्स होते हैं, ठीक है। गाइस, याद रखिएगा, द हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स विद वन और मोर हाइफन्स बिटवीन देम, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिनमें हाइफन्स मौजूद होंगे। जितने वर्ड्स होंगे उनके दरमियान जो है वो हाइफन्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन इन लॉ, ठीक है, दो हाइफन्स हैं। ब्रदर इन लॉ, हाइफन्स मौजूद हैं। मदर इन लॉ, ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनमें हाइफन्स मौजूद हों उनको हम हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं, क्लियर। आई होप सो गाइस, से आपको कंपाउंड नाउन्स और उसके टाइप्स अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कंपाउंड नाउन्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। चलें गाइस, हम नाउन प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड नाउन बना लेते हैं। हेड फोन, हेड एक नाउन है और फोन भी एक नाउन है। जब हमने इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया तो एक प्रॉपर मीनिंगफुल कंपाउंड नाउन बन गया। इसके अलावा एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से जो है एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट आप देखें एडजेक्टिव है, बोर्ड एक नाउन है। याद रखिएगा गाइस कि जितने भी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज, जितने भी कलर्स होते हैं वो सब के सब एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा गाइस, प्रपोजिशन और नाउन के कॉम्बिनेशन से भी जो है आप एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं। मैं आपके साथ वन वन एग्जाम्पल शेयर कर रही हूं। अंडरग्राउंड, अंडर एक प्रपोजिशन है, ग्राउंड एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ब प्लस नाउन, वर्ब है जी प्ले, ठीक है, वर्ब फेल, ठीक है, प्ले प्लेट प्लेट होता है ना वर्ब, और नाउन ग्राउंड जो है वो एक नाउन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, आउटपुट, आउट आप देख सकते हैं एक प्रेपोजिशन है, पुट एक वर्ब है, पुट 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 होता है ना रखना, आउटपुट एक प्रॉपर कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह इनपुट भी होता है वर्ड, इन एक प्रेपोजिशन है, पुट एक क्या है वर्ब, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है नाउन प्लस एडजेक्टिव। नाउन हो गया स्नो, एडजेक्टिव हो गया व्हाइट, ठीक है, स्नो व्हाइट एक प्रॉपर मीनिंगफुल कंपाउंड नाउन बन गया। नेक्स्ट इज नाउन प्लस वर्ब, यानी नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से भी आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। रेन हो गया नाउन, फॉल हो गया वर्ब। आपने फॉल, फेल, फॉलन जरूर सुना होगा, फॉल मतलब गिरना, तो रेनफॉल क्या हो गया, एक प्रॉपर मीनिंगफुल कंपाउंड नाउन जो कि नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया। लास्ट इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब, वाइट हो गया एडजेक्टिव और वर्ब है वॉश, वॉश्ड, वॉश आपने सुना होगा, वाइट वॉश एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड है गाइस जो कि एक कंपाउंड नाउन कहलाता है। मैंने आपके साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस शेयर किए गाइस, आप इनकी हेल्प से जो है वो कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं, फाइन। लेक्चर के एंड पर मैं यहाँ पर छोटे से बात को ऐड करना चाहूंगी जो मैं बहुत ही जरूरी समझती हूँ। मैंने आपके साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शेयर किए जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन को जो है दोबारा से जो है वो रिकॉल करते हैं। गाइस, मैंने आपके साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन का जो कॉम्बिनेशन शेयर किया,
उसमें एग्जाम्पल जो थी वो है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। व्हाइट एक एडजेक्टिव है और बोर्ड एक नाउन है, ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है। एक चीज का नाम है, जैसे ब्लैक बोर्ड एक चीज का नाम है, ठीक है, एक प्रॉपर वर्ड है, एक कंपाउंड नाउन है, तब हम इसको कहते हैं कि ये एक कंपाउंड नाउन है जो कि एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन से बना। इसी तरह गाइस दो वर्ड्स हैं बिग डॉग जो कि एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बिग है वो एडजेक्टिव है और जो डॉग है वो नाउन है। आपने इस बात को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पर बिग डॉग जो दो वर्ड्स हैं उनमें डॉग की क्वालिटी को बयान किया जा रहा है कि डॉग बड़ा है। ये कंपाउंड नाउन नहीं है गाइस। जो व्हाइट बोर्ड आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड था, एक चीज का नाम था। ब्लैक बोर्ड एक चीज का नाम है, बिग डॉग किसी चीज का नाम नहीं है। हम डॉग की क्वालिटी को बयान कर रहे हैं कि वो बड़ा है, फाइन। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस तरह के वर्ड्स को जो है वो कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं डालना। क्लियर हो गया गाइस? आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, बुल फ्रॉग, ठीक है। बुल की बात करें तो बुल हम बोलते हैं बैल को, फ्रॉग हम मेंढक को बोलते हैं, जो कि एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंबाइन वर्ड्स को करते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। एक लार्ज फ्रॉग को बोलते हैं जिसकी तेज आवाज होती है, ठीक है, जो कि एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। जब हम इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। दोनों का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। मैंने आपको कंपाउंड नाउन्स के बारे में बताया था कि जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने, और जब आप उनको सेपरेट करें तो दोनों का अपना अपना मीनिंग होना चाहिए। तो गाइस यहां पर बुल फ्रॉग एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि यहां पर बुल का अपना मीनिंग है, फ्रॉग का अपना मीनिंग है। जब दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया तो एक प्रॉपर वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि जिस तरह एक वर्ड है ब्लैक डॉग की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक डॉग जो है वो कंपाउंड नाउन नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहां पर डॉग की क्वालिटी को बयान किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आई होप गाइस कि आपने मेरे आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी हुई हो तो प्लीज शेयर कर दें मेरी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें, उन लोगों को शेयर किया करें जो कि इंग्लिश को सीखना चाहते हैं।